वेलकम टू सोबा डिलीशियस फूड फ्रेंड। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मटर की बचके, जिसे हम गर्मा गर्म चावल के साथ या शाम को स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नीचे के बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम वाटर ऐड करेंगे और इसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। इसे अच्छे से थोड़ी देर फेंट लें। तो इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे हम हरे मटर। ये मैंने यूज़ किया है हरे सॉफ्ट वाले मटर। मिक्सचर थोड़ी गाढ़ी है तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे वाटर। ये मिक्सचर नहीं तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, नहीं तो पतला होना चाहिए। अब इसे 10 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम और हाई के बीच में। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम सॉल्यूशन को डाल देंगे और अब हम फ्लेम को कर देंगे लो और मीडियम के बीच में और इसे दोनों साइड से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक तल के निकाल लेंगे। और इसी तरह दोनों साइड से हम इसे क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे क्रिस्पी करारे हरे मटर के बचके रेडी हैं। इसी तरीके से हम सारे बचके बना लेंगे। ये हमारे गर्मा गर्म हरे मटर के बचके रेडी हैं। एक बार इसे घर में आप ट्राई ज़रूर करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे।